1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त देने और उनके 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण को शाहजहांपुर में विजय दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि आज स्वर्णिम विजय मशाल शाहजहांपुर आर्मी कैंट पहुंची। यहां भारत के सैनिकों और सेना के अधिकारियों ने मशाल को सलामी दी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए विद्रोह के बाद जब भारत से शेख मुजीबुर रहमान ने सैनिक मदद मांगी थी, जिसके बाद भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपने शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए महज 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश राष्ट्र के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आया था। 1971 में हुई विजय को विजय स्वर्णिम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में स्वर्णिम विजय मशाल को जलाकर रवाना किया था, साथ ही इस युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी थी, जिसके बाद अब स्वर्णिम विजय मशाल परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव सहित देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। यहां सैनिक और सेना के अधिकारी स्वर्णिम मशाल को सलामी दे रहे हैं, युद्ध के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसी सिलसिले में आज शाहजहांपुर कैंट में राजपूत रेजिमेंट के कमांडर राजेश रमन ने सलामी देकर मशाल को आगे रवाना किया।